एसएसपी साहब भी हमारे साथ हैं सर, सिक्योरिटी को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं, किस तरह से पुख्ता इंतजाम सिक्योरिटी के किए गए हैं ताकि एक स्मूथ तरीके से जो पोलिंग प्रोसेस इलेक्टोरल प्रोसेस है वो कंडक्ट किया। ऋषि जी, सारे हमारे जितने भी 258 लोकेशंस हैं, हमारे 366 पोलिंग स्टेशन हैं, वहाँ पर हमने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। जो क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन वहाँ एडी नफरी है, हमारा 56 किलोमीटर का आई बी है इंटरनेशनल बॉर्डर, उसको मद्देनजर रखते हुए हमारा एरिया डोमिनेशन, खासकर नाइट एरिया डोमिनेशन पर ज़्यादा फोकस रहा है। हमने कुल मिला के 54 FST SST टीम्स जो है पूरे सांभर में बिछा के रखी हुई हैं, जो फ्लाइंग सर्वेलेंस भी करती हैं और स्टैटिक सर्वेलेंस भी करती हैं। इन्हीं टीम्स की मेहनत की बदौलत हमने कुछ रिकवरीज और सीजर्स भी किए हैं। आप देखेंगे कि नाइट डोमिनेशन है, रात के नाकाज आपने खुद ही देखेंगे, काफ़ी इंटेंसिफाइड नाकाज हमारे रहे। ओवरऑल मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सिक्योरिटी को लेके सांबा की जनता को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि पुलिस, यहाँ की पुलिस और CAPF पैरामिलिट्री फोर्सेस मिलके सांबा में एक फ्री, फेयर और अच्छा स्मूथ इलेक्शन हम इंश्योर करवाएंगे। और इसी के साथ मैं सांबा की जनता को अनुरोध भी करूँगा कि आके बढ़ चढ़ के पोलिंग में पार्टिसिपेट करें। मेरी जाती तौर पर ख्वाहिश है कि सांबा ज़िला, जैसे कि हम पार्लियामेंट्री इलेक्शन में नंबर वन थे पूरे UT में वोट परसेंटेज को लेके, इस बार भी हम वोट परसेंटेज को लेकर नंबर वन रहे पूरे UT में। सर, हाईवे की सिक्योरिटी को लेकर भी मैं जानना चाहूँगा, जो तमाम नाका पॉइंट्स हैं, किस तरह से तमाम नाका पार्टीज को आपकी तरफ से ब्रीफ किया गया और ताकि पूरी तरह से विजिलेंट रहे वो? हमने कुछ स्ट्रेटेजिक चेंजेस भी किए नाका की, मैं उसका डिटेल तो आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हमने स्टैटिक नाकाज के अलावा हमने सरप्राइज नाकाज पे ज़्यादा फोकस किया है। स्टैटिक नाकाज जो हैं वो केवल एंटिसिपेटरी हो जाते हैं, उसको असेसमेंट कर लेता है जो जिसने गलत कार्रवाई करनी है, इसलिए हमने सरप्राइज नाकाज जिनको हम स्नैप नाकाज कहते हैं उन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है और उन्हीं के बदौलत हमने कुछ रिकवरीज और अच्छे सीजर्स भी किए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि सांबा की जनता, हमारा अदरवाइज भी हमारा बहुत पीसफुल डिस्ट्रिक्ट है, हमारे यहाँ के लोग इस पर्व को अदरवाइज भी बड़े अच्छे से मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं और कल आप खुद भी देखेंगे कि बहुत उत्साह होगा सांबा में, बहुत अच्छा मुकाबला आपको देखने को मिलेगा और लोग जो है अपने फ्री एंड फेयर अपनी वोट कास्टिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और मुझे 100% यकीन है कि सांबा नंबर वन होगा वोट कास्टिंग परसेंटेज को। एक आखिरी सवाल रहेगा, जो आपने क्रिटिकल एरियाज का जिक्र किया है तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर फोकस आपका होगा, वहाँ पर किस तरह से आपकी तरफ से हिदायतें जारी की गई अपने तमाम फोर्सेज के? अगर बात करें क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन, हमने ज़्यादा जो IB के नज़दीक वाले थे उनको क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन की कैटेगरी में रखा है। कुछ ऐसे पोलिंग स्टेशन जो बहुत दूर दराज हैं, जिनके नज़दीक में सिक्योरिटी फोर्सेज नहीं है या जहाँ पर हमें लगता है कि पुराने इन्फिल्ट्रेशन रूल्स वगैरह रहे हैं, तो उनको हमने क्रिटिकल की कैटेगरी में रखा था। वहाँ पर हमने एक्सटेंडेड और ज़्यादा एग्जॉस्टिव सिक्योरिटी बंदोबस्त करके रखे हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमारे साथ SSP सांबा विनय कुमार जी, उन्होंने भी विस्तार से जानकारी दी है सिक्योरिटी के हवाले से। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ से जिस तरह से तमाम जो गाड़ियाँ गुजर रही हैं, तमाम पोलिंग पार्टीज जो जिला सांबा की 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी हम आपको अपडेट कर रहे हैं, सांबा, विजयपुर और रामगढ़, उन तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर यहाँ से जिला हेडक्वार्टर सांबा से तमाम पोलिंग पार्टीज को डिस्पैच किया जा रहा है। पोलिंग मटेरियल लेकर वो तमाम पार्टीज यहाँ से रवाना हो रही हैं और अपने अपने रिस्पेक्टिव पोलिंग स्टेशन पर पहुंच रही हैं और शाम तक जो है वो तमाम पार्टीज वहां पर पहुंच जाएंगी। और जो व्यवस्थाएं यहां पर बनाई गई हैं, तमाम व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया गया है, हर तरह की फैसिलिटी पोलिंग स्टेशन पर दी गई है और इस बार जो अलग अलग थीम्स के आधार पर जो है वो पोलिंग स्टेशन भी बनाए गए हैं। लेकिन अब जिम्मेवारी आपकी है कि कल आपने इस लोकतंत्र के महापर्व की बात करें तो आखिरी और तीसरे चरण का मतदान कल होना है, तो घरों से ज्यादा तादाद में पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे और अपना वोट कास्ट करें। सही कहा SSP सांबा विनय कुमार जी ने, DC सांबा राजेश शर्मा जी ने, जिस तरह से पार्लियामेंट्री इलेक्शन में यहाँ से एक बड़ा नंबर जो है वोटर टर्नआउट हमें देखने को मिला, पोल परसेंटेज हमें देखने को मिला, उसी तरह से 80-90% के आसपास जो है वो कल भी सांबा जिला में जो पोलिंग है ये रिकॉर्ड हो, इसी की हम जो है वो कामना करते हैं। लेकिन हर व्यक्ति से, हर वोटर से मैं अपील करूंगा, फर्स्ट टाइम वोटर्स, यंग वोटर्स, हर वर्ग के वोटर से अपील करूंगा कि कल ज़्यादा तादाद में आप घरों से बाहर निकले। तो पूरी तरह से तैयारियां जो है वो हो चुकी हैं कल के तीसरे और आखिरी चरण के मतदान के लिए, जिसकी जानकारी DEO सांबा और SSP सांबा ने दे दी है।